कंफर्म हो गई है, एक मरीज पॉजिटिव पाया गया है देवघर में, तो आंकड़ा पहुंच गया 45 पर। और 45 पर आंकड़ा पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि देवघर जिला जहां आंकड़ा जीरो था, एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं थे, वहां पहला मरीज मिल गया है कोरोना पॉजिटिव का। तो देवघर अछूता था जिला, हम दुआ कर रहे थे, हम यही प्रार्थना कर रहे थे कि तमाम जो जिले जहां पर नहीं मिले मरीज उन जिलों से खबर ना आए, मगर देवघर जिले का भी नाम जुड़ गया है और आपको हम जल्द अपडेट कराएंगे जैसे ही हमारे पास अपडेट्स आते हैं कि आखिर वो मरीज कहीं दूसरी जगह से ट्रैवल करके आया है, क्या कुछ अपडेट्स हैं, क्या कुछ उसके कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है, कैसे वो संक्रमित हुआ, कौन से इलाके से है, जो प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग की टीम है, क्या कुछ कर रही है, इन तमाम मसलों से आपको हम रूबरू कराएंगे, तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। मगर अभी तक जो जानकारी मिली है कि एक मरीज पॉजिटिव हो गया है। देवघर से हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। मनीष, जिस तरह से अब तक बातें आ रही थी देवघर से, देवघर का आंकड़ा जीरो था मगर एक पॉजिटिव मरीज मिल गया है, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री, ट्रैवल हिस्ट्री, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है उसमें इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि एक निगेटिव मिला है युवक में, और ये जो जानकारी अभी है उसके मुताबिक ये इसे क्वारंटाइन में रखा गया था और ये 15 कुछ दिन पहले ये पंजाब से आया था। 14 दिन पूरे हो जाने से यहाँ से जा चुका था, यहाँ से उसके बाद भी इसकी पुष्टि हुई है। तो अभी जो जानकारी, जो अभी तक जो जानकारी मिली है वो यही है कि एक पॉजिटिव, जो हम कह सकते हैं कि देवघर जहाँ के शून्य था, अभी देखा कि आपने भी कहा, वो एक बुरी खबर है देवघर के लिए कि एक पॉजिटिव निकल गया। फिलहाल बस इतनी अभी जानकारी मिल पाई कि ये पंजाब में था, अभी उसे क्योंकि यहाँ से निकल चुका है क्वारंटाइन सेंटर से, उसको पता लगा कि पुष्टि हो गई है कि एक देवघर में एक पॉजिटिव हुआ है। मनीष, अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 14 दिनों के क्वारंटाइन में उसे रखा गया था और 14 दिनों के क्वारंटाइन के निकलने के बाद उसमें उसकी रिपोर्ट जो है सैंपल्स लिए गए और फिर पॉजिटिव आ गया, यही? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्वारंटाइन सेंटर में रहते हुए जो 14 दिन का जो मियाद है 14 दिनों की, वो पूरी हुई उस वक्त सैंपल ना लेकर उसे रिलीज कर सैंपल लेना, ये समझ से परे है? ये जब जल्दबाजी होगी इस पर कुछ भी कहना, पूरी जानकारी भी मिल जाए, क्योंकि अभी हमारी बातचीत थोड़ी सिविल सर्जन से बात नहीं हो पाई है पूरी तरह से, हमने डीसी देवघर को भी लगाया था, उन्होंने भी फोन कट कर दिया, लेकिन मेरे जो सूत्र है उसके उन्होंने इस बात की पुष्टि की है, वो भी एक अधिकारी है, उन्होंने कहा है कि हाँ एक हम लोग पुष्टि करते हैं कि एक निगेटिव मिला, पॉजिटिव एक मिला है जिसमें एक मरीज है। मनीष, आप जल्दी से इस खबर की पुष्टि करें, अगर ऐसा हुआ है तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही की ओर इशारा कर रहा है, और जैसे ही आपके पास अपडेट्स आ जाता है फिर आपसे हम मुखातिब होंगे जानकारियों के लिए। फिलहाल आपका शुक्रिया मनीष। तो बताएं कि जो अभी जानकारी मिल रही है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, कि पंजाब से आए हुए एक शख्स को क्वारंटाइन में रखा गया था, 14 दिनों की मियाद पूरी होने के बाद उसकी रिपोर्ट, उस 14 दिनों के अंदर फिर रिपोर्ट ली गई थी, उसके सैंपल्स ली गए थे और सैंपल नेगेटिव आ गया था, और जब मियाद पूरी हुई है उसके बाद सैंपल पॉजिटिव आ गया है, ये एक चिंता बढ़ाने वाली खबर है, ये लापरवाही की तरफ इशारा कर रहा। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई, अभी पूरी जानकारी नहीं मिली हमारे संवाददाता को, हमारे सहयोगी को, जैसे इसकी जानकारी मिलेगी आपको हम रूबरू कराएंगे कि अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है। तो 45 है संख्या और 257 लोगों की जांच आज रांची में हुई थी, जिसमें 255 की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है।